हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कोरल ट्रायंगल के बारे में। कोरल ट्रायंगल को हिंदी में मूंगा त्रिभुज या कोरल त्रिभुज भी कहते हैं। कोरल त्रिभुज के बारे में क्यों बात करना ज़रूरी है? क्योंकि कोरल त्रिभुज की जो है कई कंट्रीज जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं, और एशिया महाद्वीप की 6 कंट्रीज और प्रशांत महासागर में ये पड़ता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये पड़ता है। इसीलिए जो है हम आज इसके बारे में बात करेंगे और ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। कोरल ट्रायंगल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है कोरल प्रजाति जो मूंगा होती है, मूंगा जो है उसके जो है बहुतायत में मिलता है। इंग्लिश में बात करें तो कोरल की जो है मोर देन 76% ऑफ द वर्ल्ड कोरल स्पीशीज जो होती हैं वो यहाँ पे मिलती है। मतलब हाईली ट्रेमेंडसली बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जो है देखी जाती है, हाईएस्ट कोरल डाइवर्सिटी भी यहाँ पे देखी जाती है। बायोडाइवर्सिटी तो आप देखेंगे ही, इसके साथ में हाईएस्ट कोरल डाइवर्सिटी भी देखेंगे। तो 76% वर्ल्ड का जो है कोरल स्पीशीज यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा जो है मोर देन 2000 रीफ फिश स्पीशीज यहाँ पर मिलती हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर मिलता है। मतलब अगर आप ये देखें कि ये मरीन बायोडाइवर्सिटी का एक तरीके से जो है मेन सेंटर कह लीजिए, या इसे एपी सेंटर कह लीजिए, या फिर रिचेस्ट सेंटर कह लीजिए, रिचेस्ट एरिया कह लीजिए ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक। अब इसका जो है ये स्प्रेड कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कोरल ट्राइंगल जो है स्प्रेड अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक ओशन। कौन कौन सी वो 6 कंट्रीज हैं? वो कंट्रीज का नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ निगिनी, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे को ही जो है ईस्ट तिमोर कहते हैं, ठीक है। ये 6 कंट्रीज कवर हुए। अब इसमें जो है ये जो कोरल ट्रायंगल है ये वर्ल्ड का टोटल जितना भी ओशन का एरिया है उसका 1.5% है, कुल 1.5% है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशन जो है उसका एरिया कवर करते हैं उसका कुल 1.5% जो है कोरल ट्रायंगल है। लेकिन इसमें हाईली बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कोरल रीफ्स जितनी भी हैं वर्ल्ड में उसका 30% जो है यहाँ पर मिलता है। और कोरल स्पीशीज़ तो मोर देन 70% यहाँ पे मिलती हैं, 76% एक्चुअली इसकी जो है आंकड़ा है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, कोरल ट्रायंगल इम्पॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि कोरल ट्रायंगल में जो है कोरल रीफ्स बहुत मिलती हैं, हाईली बायोडाइवर्सिटी है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश की स्पीशीज मिलती हैं, और जैसे शार्क हो गई या फिर सोलोमन फिश हो गई जो कि जो मरीन बायोडाइवर्सिटी को बिलोंग करती हैं। लेकिन इस कोरल ट्रायंगल में जो है 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? इसमें जो है CTICFF, ये जो आप मैप में देख रहे होंगे CTICFF जो है ये कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव ऑन कोरल रीफ्स फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन एरिया है। ये जो डार्क कलर से है ये CTICFF है। सिंस 2012 जितने भी कोरल कंट्री ये कोरल ट्रायंगल में कंट्रीज आते हैं इन्होंने आपस में एक तरीके से जो है एक इनिशिएटिव चला रखा है। और कोरल ट्रायंगल साइंटिफिक एरिया भी है, ठीक है। अब क्या है ये CTICFF क्यों बनाया गया, क्यों ऐसा इनिशिएटिव लिया गया? इसके 2 रीजंस हैं। एक तो टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ ओशन कंजर्वेशन। जैसे कि हम जो है अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करते हैं, ऐसे ही जो है जो कि आपके नेशनल पार्क्स हो गए और सेंचुरीज हो गई, यहाँ पे जो है हम कंजर्वेशन करते हैं, इसी तरीके से टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ ओशन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरल ट्राइंगल्स, जहाँ पे कोरल ब्लीचिंग ना हो, कोई ज़्यादा जो है वहाँ पे कोई अलग तरीके से इल्लीगल कोई जो है ट्रेड ना हो, इसके लिए किया जाता है। अब कोरल ट्रायंगल जो है डे जो है मनाया जाता है 9 जून को हर साल। कब से? 2020 से जो है, सिंस 2020 कोरल ट्रायंगल डे इज हेल्ड ऑन 9 जून। लेकिन ये बनाया किसके साथ जाता है? इन कंजक्शन विद वर्ल्ड ओशन डे जो कि 8 जून को पड़ता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे होता है और 9 जून को जो है कोरल ट्रायंगल डे होता है। इन्हीं दोनों को, वर्ल्ड ओशन डे को जो है इन्हीं दोनों को मिला के जो है CTICFF बनाया गया 2012 में। CTICFF सबसे पहले बना था, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव फॉर फूड सिक्योरिटी, कोरल रीफ्स फिशरीज, इनके लिए बनाया गया था। अब कोरल ट्रायंगल साइंटिफिक एरिया की बात करते हैं। कोरल ट्रायंगल साइंटिफिक एरिया में क्या है ऐसा? देखिए, कोरल ट्रायंगल साइंटिफिक एरिया जो है वो है जहाँ पे जो है साइंटिस्ट ने जो है
वहाँ पे वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं। उनके दो क्राइटेरिया हैं उस पर्टिकुलर एरिया को भी, उस कोरल ट्रायंगल में भी एक साइंटिफिक एरिया उन्होंने जो है खोज निकाला है। किस तरीके से, उनके दो क्राइटेरियाज हैं टू डिफाइन दिस एरिया। एक तो हाई स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी, जिसे हिंदी में जो है जैव विविधता कहते हैं, और दूसरा है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी मतलब जितने भी जो है वाटर करंट जो है आपके पैसिफिक ओशन से इंडोनेशिया की तरफ आ रहे हैं, वो सारे के सारे करंट्स जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू कोरल ट्राइंगल। कोरल ट्राइंगल में जो है हाई स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नेबरिंग नेशंस, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिजी हो गया, वहाँ पे लेस कोरल बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल बायोडाइवर्सिटी है। अगर कोरल ट्रायंगल से या कोरल बायोडाइवर्सिटी से या कोरल ब्लीचिंग से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कोरल ब्लीचिंग के बारे में हम जो है सबसे ज़्यादा ये जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है काफ़ी होती है। जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करें।